तो कोई भी सुपर हीरो कितना पावरफुल है वो डिपेंड करता है कि उस हीरो ने किस लेवल के सुपर विलन को बीट किया है। लेकिन आज से करीब 1 साल पहले मैंने रून किंग थॉर की एक सुपर बैटल अपलोड की थी और तब से आज तक मुझे रोज़ ये कमेंट आते हैं कि रून किंग थॉर मल्टीवर्सल है। कोई कहता है यूनिवर्सल है और कोई कहता है वो गैलेक्सी लेवल बींग है। लेकिन तब से मैं कन्फ्यूज़ था कि आखिर रून किंग थॉर कितना पावरफुल है। इसका आंसर ढूंढने के लिए मैंने गूगल किया, राइटर्स और एनिमेटर्स से बात की और दुनिया भर की कॉमिक पढ़ ली जिसमें रून वर्ड को मेंशन किया गया था। लेकिन फाइनली मुझे पता चल गया कि रून किंग एग्जैक्टली कितना पावरफुल है। तो इससे पहले हम रून किंग थॉर के पावर लेवल डिस्कस करें, मैं आपको थॉर के बेस फॉर्म के कुछ फीट्स बता देता हूँ जो उसने ओडिन फोर्स के बिना अचीव किए हैं, जैसे 9 यूनिवर्स को पुश करना, सेलेस्टियल को बीट करके फिनिक्स को एक नहीं दो बार नॉकआउट कर देना और यूनिवर्स को सिर्फ अपने लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय कर देना। तो इससे हमें पता चलता है कि थॉर बेस फॉर्म में ही कॉस्मिक बींग को नॉकआउट करने की ताकत रखता है। लेकिन रून किंग थॉर ने बीट किया है शैडो गॉड्स को। अब शैडो गॉड्स कौन है? गॉड लेवल बींग्स जिन्होंने एसगार्ड पर रैग्नारोक साइकिल बनाई थी। लेकिन रून किंग थॉर की पावर लेवल डिपेंड करती है कि शैडो गॉड्स कितने पावरफुल थे। तो शैडो गॉड सबसे पहले अपियर हुए एक्समैन कॉमिक में। ये सिर्फ एक पेज का अपियरेंस था इसलिए हमें नहीं पता चला कि ये कितने पावरफुल बींग्स थे। लेकिन दूसरी बार ये गॉड्स हमें देखने मिले थॉर डिसेंबल कॉमिक में, जहाँ रून किंग थॉर ने इन्हें बहुत बहुत बुरी तरीके से बीट करके रख दिया और तब कॉमिक में हमें बताया गया कि ये सेलेस्टियल लेवल बींग है। अब एक कमज़ोर से कमज़ोर सेलेस्टियल भी यूनिवर्सल लेवल का होता है और सबसे पावरफुल सेलेस्टियल लिविंग ट्राइब्यूनल से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो हमें तब भी एग्जैक्टली नहीं पता चला कि ये गॉड्स कितने पावरफुल थे। लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये गॉड्स स्काई फादर ओडिन की किस्मत लिख सकते थे और ओडिन खुद यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये गॉड्स ओडिन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन बाद में ये अपियर हुए लोकी एजेंट ऑफ एसगार्ड में, जहाँ पर हमें पता चला कि ये यूनिवर्सल नहीं, मल्टीवर्सल भी नहीं, बल्कि ओमनीवर्सल बींग्स है, जिसका मतलब रून किंग थॉर ने 5 ओमनीवर्सल बींग को बीट किया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऑलराइट, अब आप में से काफी सुपर फैंस कंफ्यूज होंगे कि ये बींग्स ओमनीवर्सल कैसे हो सकते हैं। तो बेसिकली लोकी अब गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है और अब लोकी कॉमिक में दिखाई जाने वाली स्टोरी को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। लेकिन इस इवेंट में हमें पता चला कि शैडो गॉड्स रियलिटी के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, जिसका नाम है द आउटसाइड। और लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस ने खुद अपने मुंह से कहा था कि द आउटसाइड एक ओमनीवर्स है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर फ्यूचर लोकी जाते ही मर गया था। प्रेजेंट लोकी इसलिए सर्वाइव कर गया क्योंकि वो गॉड ऑफ स्टोरी था। और सेकेंड पेज में लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस, जो कि एक मल्टीवर्सल बींग है, उसने कहा था कि आउटसाइड हम सबका अंत है। मतलब शैडो गॉड्स ओमनीवर्स में इस लेवल पर रहते हैं जहाँ पर इटर्निटी, इन्फिनिटी और बाकी कॉस्मिक एंटिटीज एंटर भी नहीं कर सकते, और अगर वो आउटसाइड में अपना पैर रख दे तो उनका एग्जिस्टेंस वही ख़त्म हो जाएगा। तो अब रून किंग थॉर कितना पावरफुल है, ये कोई आपसे पूछे तो आप उनके मुंह पर बोल सकते हो कि रून किंग थॉर एक ओमनीवर्सल बींग है, ना ही यूनिवर्सल और ना ही मल्टीवर्सल, बल्कि रून किंग थॉर ने शैडो गॉड्स को बीट किया है जो ओमनीवर्सल बींग्स थे। और रून किंग थॉर ने इन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि इन्होंने थॉर को ओमनीवर्सल लेवल की पोजिशन ऑफर की थी, लेकिन थॉर ने अपने लोगों के लिए वो पोजिशन छोड़ दी। तो अब शायद आप सबकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि रून किंग थॉर यूनिवर्सल नहीं बल्कि ओमनीवर्सल है और शैडो गॉड्स भी कोई बियॉन्डर नहीं है, लेकिन द आउटसाइड में रहने वाले ओमनीवर्सल बींग्स है और रून किंग थॉर ने 5 ओमनीवर्सल बींग को एक हिट में डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और अब थॉर के फैंस ये ज़रूर कमेंट करेंगे कि अबे चल मान लिया ओमनीवर्सल बींग है तो ये सिर्फ एसगार्डियंस की ही लाइफ फोर्स एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब करते थे जिंदा रहने के लिए। तो सबसे पहली बात, ये बींग्स एसगार्डियंस की लाइफ फोर्स एनर्जी पर जिंदा नहीं रहते हैं। और दूसरी बात, मार्वल यूनिवर्स में नियरली 4000 यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो अनलिमिटेड यूनिवर्सेस है लेकिन चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए मार्वल में ऑलमोस्ट 4000 यूनिवर्सेस है और हर एक यूनिवर्स में एक अल्टरनेट एसगार्डियंस की रेस रहती है। और ये शैडो गॉड्स मल्टीवर्स के सारे अल्टरनेट एसगार्डियंस की लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर भी ये इतने पावरफुल है कि अगर हम मल्टीवर्स से एसगार्डियंस की रेस को ख़त्म कर दें फिर भी ये जिंदा रहेंगे। तो आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब रून किंग थॉर फिनिक्स किंग थॉर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि फिनिक्स किंग थॉर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीवर्सल लेवल तक है लेकिन रून किंग थॉर एक ओमनीवर्सल लेवल बींग बन चुका है। और कुछ सुपर फैंस को
रून किंग थॉर और थॉट रोबोट की फाइट देखनी है, लेकिन इसका आंसर आप ढूंढ सकते हो कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक साथ 5 ओमनिवर्सल बींग को बीट कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो ऑफकोर्स हम इन दोनों की फाइट शुरू कर सकते हैं। और एक फैक्ट है कि लोकी गॉड ऑफ स्टोरी था, मतलब लोकी कॉमिक में स्टोरी लिख सकता था, फिर भी वो शैडो गॉड्स को नहीं मार पाया था। तो अब आप सोच सकते हो कि रून किंग थॉर कितना पावरफुल है। तो आई होप मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी होंगी कि रून किंग थॉर आखिर कितना पावरफुल है। बेसिकली वो एक ओमनिवर्सल बींग है, तो अब बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी यूट्यूबर को हेट मत देना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक यूट्यूबर सारी थॉर के कॉमिक पढ़ते रहे मेरी तरह। लेकिन बस आज के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय। लेकिन अगर आपको रून किंग थॉर की पावर लेवल आज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।